नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर राजीव नगर इलाके से जुड़ी हुई आ रही है। राजीव नगर पर लगातार चलते बुलडोजर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अतिक्रमण कार्रवाई जो हो रही है राजीव नगर पर, उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है और जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें भी छोड़ने का आदेश दे दिया है। अगली सुनवाई कब होगी और ये पूरा मामला क्या है, आज हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने ऑर्डर्स में, आपको विस्तार से बताते हैं। राजीव नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार हो रही थी, इस पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। राजीव नगर स्थित नेपाली नगर के लोगों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने घरों के तोड़ने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे होंगे कल से कितनी अलग अलग तरह की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें, जहाँ पर लोग अपने घरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही थी और बुलडोजर जो है वो चलता ही जा रहा था, जिस पर आज जाकर पटना हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है, स्टे लगा दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। साथ में कोर्ट ने सभी गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, अवैध बने घरों को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान पप्पू यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे, बैठकर धरना कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का वो विरोध कर रहे थे, पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी हटने को कहा लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज कर दिया था। राजीव नगर थाने में पड़ने वाली जमीन से जुड़े विवादित इलाकों में पुलिस सुबह से ही पहुंची हुई थी। विवाद 1024 एकड़ की जमीन से जुड़ा हुआ है। अब इस पर सैकड़ों की संख्या में घर बन चुके हैं, जिन्हें कल यानी कि रविवार से ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मौके पर पटना के डीएम और एसएसपी भी पहुंचे हुए थे। वहीं डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 26 नामजद और 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, बाकी लोगों का वीडियो फुटेज के आधार पर खोजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार लोगों के व्हाट्सएप चैट्स को भी खंगाला जा रहा है। चैट के मुताबिक षड्यंत्र रचने वाले भू माफियाओं को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन अब जाकर हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि जितने भी लोग इस कार्रवाई में पकड़े गए हैं उन्हें अविलंब छोड़ दिया जाए और 6 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस दिन जब सुनवाई होती है राजीव नगर स्थित नेपाली नगर इलाके में अवैध कब्जे को लेकर, तो उस दिन क्या कुछ होता है, क्या उस दिन कोई फैसला निकल कर आता है या फिर और लंबे समय के लिए स्टे लगा दिया जाता है। जिस तरह से राजीव नगर के नेपाली नगर स्थित अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हो रही है उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या ये स्टे आगे लंबे समय तक बना रहता है या फिर हाई कोर्ट किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि पटना हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके में चल रहे अतिक्रमण अभियान पर रोक लगा दी है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। We'll be right back.